कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। क्या कहा प्रोड्यूसर्स ने केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में? क्या रोल हो सकता है ऋतिक रोशन का? क्या प्लान कर सकते हैं प्रशांत नील इतने सारे स्टार्स एक साथ? हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। KGF अब एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी बन चुकी है। रिसेंटली कुछ सालों से KGF चैप्टर 2 की बस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों KGF चैप्टर 1 2018 में रिलीज हुई जिसमें साउथ के सुपरस्टार यश थे और उनके साथ एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी भी थी। थिएटर्स में मूवी ने बहुत अच्छा किया था जिसकी वजह से मूवी बहुत फेमस हुई। उसके बाद मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो में आई और वहाँ भी लोगों ने इस मूवी को बहुत ज्यादा देखा। इस मूवी के चैप्टर 2 के लिए फैंस बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं और जब उन्हें पता चला कि इस मूवी में बॉलीवुड के एक्टर संजय दत्त और एक्ट्रेस अभिनव टंडन भी काम कर रही हैं तो मूवी की हाइप और भी ज्यादा बढ़ गई थी। दोस्तों KGF मूवी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की है और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी फिल्म ने इतना नाम किया हो। इस फिल्म के दो प्रोड्यूसर्स हैं और कुछ टाइम पहले एक प्रोड्यूसर ने कहा था कि अभी प्रशांत नील सलार फिल्म की तैयारियों में बिजी हैं और अभी कुछ टाइम जैसे ही सलार की शूटिंग खत्म हो जाती है जिसके बाद प्रशांत नील KGF चैप्टर 3 की शूटिंग स्टार्ट कर देंगे और ये सुनके फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। उसके अगले दिन ही सीनियर प्रोड्यूसर ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि अभी तक फिल्म मेकर्स ने KGF चैप्टर 2 के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है और कुछ भी प्लान्स नहीं है इस फिल्म के बारे में। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही फिल्म मेकर्स डिसाइड करेंगे KGF चैप्टर 3 के बारे में वो सबसे पहले ऑडियंस को बताएंगे इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको थोड़ी सी और चीजें बताते हैं इस फिल्म के बारे में, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के अपडेट के बारे में। रिसेंटली अभी ही पता चला है कि KGF चैप्टर 2 के इतने मैसिव सक्सेस के बाद फिल्म मेकर्स ने डिसाइड तो कर ही लिया है इस फिल्म का थर्ड इंस्टॉलमेंट भी आने वाला है और साथ ही ऐसे र्यूमर्स चल रहे हैं कि हो सकता है KGF चैप्टर 3 फिल्म में ऋतिक रोशन भी हो और प्रशांत नील का ये जो प्लान है वो मार्वल टाइप यूनिवर्स बनाने का है। हो सकता है प्रभास और यश के साथ ऋतिक रोशन भी हो इस यूनिवर्स का हिस्सा जो प्रशांत नील बनाने का सोच रहे हैं सलार फिल्म के रिलीज के बाद। दोस्तों मूवी के को प्रोड्यूसर विजय ने ये भी बताया है कि इस साल KGF चैप्टर 3 रिलीज नहीं होने वाली है। विजय जो KGF के को प्रोड्यूसर हैं उन्होंने KGF 3 चैप्टर के बारे में कुछ और चीजें बताई हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके और प्रशांत नील के पास KGF 3 को लेकर काफी आइडियाज हैं बट अभी सलार की वजह से वो किसी और चीज में ध्यान नहीं दे सकते हैं। और साथ ही यश ने ये भी ऐड किया है कि फिल्म आ रही है तो विजय ने कहा कि तीनों के साथ आना पड़ेगा इस फिल्म के लिए और सही टाइम पर आना पड़ेगा। विजय ने ये भी कहा है कि जब फिल्म की डेट्स फाइनलाइज हो जाएंगी और बाद में वो अपना रिसर्च नैरो डाउन करेंगे फिल्म की कास्ट को लेकर, क्योंकि वो तब बेटर पोजीशन में होंगे इस फिल्म को बनाने के लिए और जब ये होगा उस टाइम फिल्म की कास्ट में कौन कौन होगा ये एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की अवेलेबिलिटी पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। अब दोस्तों जैसा कि हमें पता ही है कि KGF और सलार के डायरेक्टर प्रशांत नील ने सोचा है कि उनकी इतनी सारी फिल्म्स को हॉलीवुड में मार्वल की तरह बनाने का जो वर्ल्ड फेमस है। फैंस मार्वल बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और मार्वल दुनिया का सबसे फेमस फ्रेंचाइजी है। मार्वल की स्टोरीज में सुपर हीरोज होते हैं काफी सारे जो एक साथ काम करते हैं। अगर प्रशांत नील ऐसा कुछ सोच रहे हैं अपनी फिल्म के बारे में तो ऋतिक रोशन को कास्ट करना काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि ऋतिक रोशन ने पहले भी सुपर हीरो फिल्म्स करी हुई हैं। ऋतिक रोशन ने बॉलीवुड में सुपर हीरो फिल्म्स को सबसे पहले फेमस किया था जब उनकी फिल्म क्रिश आई थी। क्रिश फिल्म एक ऐसे सुपर हीरो के बारे में थी जो लोगों की हेल्प करता है अपने पावर्स का यूज करके और फैंस को ऋतिक रोशन का ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद भी आया था और इसीलिए ऋतिक रोशन परफेक्ट फिट भी बैठते हैं प्रशांत नील की फ्रेंचाइजी के लिए। दोस्तों KGF 2 ने इतने सारे पैसे कमाए हैं और साथ ही इतने रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद KGF 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की। KGF ने अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ कमाए हैं और सिर्फ कन्नड़ लैंग्वेज में ही नहीं बट इस फिल्म ने हिंदी वर्जन और फॉरेन में भी बहुत ज्यादा अर्न किया है, इसलिए फिल्म मेकर्स के पास बहुत अच्छा बजट होगा KGF चैप्टर 3 के लिए और जो भी प्लान्स हैं फिल्म मेकर्स के पास वो अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं KGF चैप्टर 3 के लिए। अब दोस्तों अब आप जल्दी से हमें बताइए कि आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। साथ ही आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर हैं उदित।